चलेगी। ओके, तो आउटपुट डिवाइसेस जो है हम डिस्कस करेंगे, विच आर प्रिंटर्स, और इनको हम कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी आउटपुट हमने जैसे देखी थी कि दो टाइप्स होते हैं आउटपुट की, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। तो जो हार्ड कॉपी है वो हमें एक किसी फिजिकल मीडियम पे आउटपुट प्रोवाइड करती है, मोस्ट कॉमनली पेपर यूज होता है। लेकिन पेपर के अलावा जो मीडियम है, एक ट्रांसपेरेंसी होती है, वो बेसिकली प्लास्टिक की शीट होती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर थोड़ा सा मतलब नॉन कन्वेंशनल की तरफ आना है, तो फिर उसमें जो है ये फ्लेक्स एक मटेरियल होता है, ये जो फ्लेक्स बोर्ड आपने देखे होंगे वो होते हैं, वो बेसिकली कपड़े और प्लास्टिक का मिक्सर होता है। कपड़ा होता है उसके ऊपर प्लास्टिक कोट किया होता है उन्होंने। तो लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो इस्तेमाल होता है, ये जो है ये पेपर इस्तेमाल होता है जस्ट। तो उसमें फिर ये मोस्ट कॉमनली हम पेपर पेपर यूज करते हैं। पेपर के डिफरेंट वो वराइटीज होती है, डिफरेंट उसके क्वालिटीज होती हैं, वो एक अलग चीज है। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर जो है हमारे पास, ये दो तरह के बेसिकली प्रिंटर है। क्लासीफाई हम इनको दो तरह से करते हैं, एक हमारे पास जो इंपैक्ट प्रिंटर है, दूसरे हमारे पास है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। तो इनके जैसे नाम से जाहिर है, इसमें क्या होगा कि जो इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं इसमें इंपैक्ट होगा किसी तरह का। अगर आप फेमिलियर हो के, अगर आपने आप जैसे किसी ने जो है वो टाइप राइटर देखा हो, जो पुराने वक्त में किसी वक्त बहुत ज्यादा यूज होते थे टाइप राइटर्स, तो टाइप राइटर्स पर अगर आप देखें तो उसमें कीज होती थी। जैसे आप की प्रेस करते थे तो की जाके एक रिबन पे स्ट्राइक करती थी, तो फिर उसके बाद जो है वो प्रिंट प्रिंट होता था, वो जो भी करेक्टर है, जैसे आप स्टैंप लगाते हैं तो उस तरह से होता था। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनका जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म है ये टाइप प्रिंटर्स की तरह होता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें जाहिर सी बात है कि इससे ज़रा डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होती है। जो लेटेस्ट है वो ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, वो ये हैं। और ये जो है ये अब आजकल जितने भी मोस्टली अगर आप देखेंगे, सो एक आधे एग्जाम्पल के वो भी हम देखते हैं, वो सारे के सारे जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। अच्छा, तो आगे चलते हैं। इसमें जो इनका कंपैरिजन अगर हम देखें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है कि इसमें एक स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है, नॉन इम्पैक्ट में जो है वो कोई स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं होता। और प्रिंटिंग के लिए जो हम कह रहे हैं, प्रिंटिंग का जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये टाइप राइटर्स की तरह मोर और लेस उनकी तरह काम करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स नॉइजी होते हैं, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है नॉइज नहीं बना करते। नॉइज का मतलब ये होता है कि एक आपको लाउड, मतलब जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बड़ा जो है ना वो शोर हो रहा है, ठक ठक टिक 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 की आवाज मुसलसल जो है वो आपको आ रही है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो इंक यूज होती है वो इंक रबर होती है, मोस्टली जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स है उसमें कॉमन एक चीज है। तो बेसिकली वो एक कपड़ा होता है, कपड़े का एक रिबन होता है, उसको इंक पे जो है वो डुबो के फिर उसको जो है वो रखते हैं। वो जब वो स्ट्राइकिंग जो मैकेनिज्म होता है वो उस रिबन पे स्ट्राइक करता है, तो उससे जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो पेपर पे बन जाता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, इसमें इंक जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, पाउडर फॉर्म में भी हो सकती है, और वैक्स फॉर्म में भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह क्या किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंट स्टैंडर्ड, जो इसकी जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है इनकी क्वालिटी, उसको हम कहते हैं NLQ, नियर लेटर क्वालिटी। ये आप कह लें कि थोड़ी सी इंफीरियर क्वालिटी होती है। तीसरा, इससे जो लोएस्ट है वो उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट ड्राफ्ट क्वालिटी कहते हैं, वो सबसे लोएस्ट क्वालिटी होती है। ये बेसिकली जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं ये इस तरह से हैं कि ये प्रिंट कितना क्लियर है और उसमें कितने ज़्यादा, मतलब आपको जो है ना वो क्लियर प्रिंट आपको मिलता है कि आप उसको रीड कर सकते हैं। इसमें एक चीज ये होती है जो कि इंक रिबन होता है ना, अक्सर ऐसे होता है कि जब वो प्रिंटिंग हो रही होती है तो रिबन के निशान भी उसके ऊपर जो है पेपर के ऊपर बने होते हैं, इसलिए समटाइम उसको पढ़ना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इससे आपको जो है वो लेटर क्वालिटी के प्रिंट्स जो है वो बनते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है कि इसकी एक और निशानी होती है कि आपको आपने देखना हो कि इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट है, तो इसमें कंटिन्यूस शीट यूज होती है और उसके साइड पे जो वो गाइड होल्स होते हैं, इस तरह से पेपर होगा और पेपर की साइड पे आप देखेंगे एक साइड पे, या फिर ये है कि दोनों साइड्स पे इस तरह से होगा कि उस पे जो है वो गाइड होल्स जो है वो बने होंगे। तो ये इस तरह से इसका इसका मतलब ये होता है कि दिस इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर।
तो ये गाइड होल्स इसलिए होते हैं कि पेज को पेपर के अंदर मूव करने के लिए कंटिन्यू शीट होती है, पेजेस एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं, बस आप पहला पेज डाल दें बाकी पेजेस को खुद ही उसके साथ जो है वो चलते रहते हैं। जबकि नॉन इंक प्रिंटर्स में जो सेपरेट शीट यूज होती है, आमतौर पर आप बाजार में जाएं तो वो आपको ए फोर साइज के पेपर कॉमनली यूज होता है, ए फोर या लेटर साइज का पेपर जो है वो यूज होता है वो आपको जो है वो मिल जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर्स की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो लो है, लेकिन जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी सी हाई है। और जो इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं कलर प्रिंट्स प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स जो हैं ये जो है ये कलर प्रिंट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस ही कलर प्रिंट्स। तो ये डिफरेंस है ये दोनों में, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर जो है ये जो है ये इनके अंदर जो है ये डिफरेंसेस हैं। अच्छा, इसके बाद हम बारी बारी देखते हैं, हम एक्चुअली तीन तीन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो दोनों की देखेंगे, पहले इंपैक्ट की और फिर उसके बाद नॉन इंपैक्ट की। इंपैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो बेसिकली जैसे आपको बताया कि ये टाइप राइटर्स की आप कह लें कि मॉडर्न फॉर्म है, क्योंकि शुरू में ये था कि टाइप राइटर्स यूज होते थे, फिर टाइप राइटर्स को इन्होंने थोड़ा सा ऑटोमेट करके और तो उन्होंने ये किया कि उसको जो है वो प्रिंटर्स में उनको कर दिया उनको। तो इस वजह से जो है वो ये है कि सॉरी, तो ये अब एक तरह से अभी हम जैसे थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये ऑटोमेटेड प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स को ही ऑटोमेट जो है वो कर दिए। तो इस तरह से ये है कि जो ये हमारे पास है ये डॉट प्रैक्टिस प्रिंट, तीन टेक्नोलॉजीज हमने देखनी है, डॉट प्रैक्टिस, लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील। तो इन तीनों में से अब जो है अभी भी जो इस्तेमाल हो रहा है वो ये डॉट प्रैक्टिस प्रिंटर जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर जो है ना ये अब इस्तेमाल जो है वो नहीं होते, बहुत रेयर जो है इसकी कोई एग्जाम्पल होगी। डेजी व्हील तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, तो लाइन प्रिंटर फिर भी शायद कहीं पे जो इस्तेमाल होता हो। मोस्ट कॉमनली जो अब भी यूज होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स यूज होते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि इसकी जो प्रिंट कॉस्ट है वो कम होती है। तो अगर आपको कोई ऐसी चाहिए जैसे आपने कोई रिसीट वगैरह प्रिंट करनी है, आपको पता है कि इसकी इतना इतना की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि फिर ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इनको जो है फिर हम इनको जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो बारी बारी इन तीनों को देखते हैं, सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स को देखने। तो डॉट मैट्रिक्स में एक्चुअली होता है क्या, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो इस तरह से आप देखें ये देख रहे हैं ये एक एनिमेशन जो है वो चल रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो क्या है कि एक वर्टिकल इस तरह से जो है वो आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक प्रिंट हेड उसको हम कहते हैं, इसमें पिन्स होती हैं, ये जो बेसिकली जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ना ये क्या है, दीज आर पिन्स। तो इसमें ये जो पिन्स होती है ना ये इस तरह से आगे मूव करती हैं, जिस तरह से आप देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है ये मूव करती है। उसके बाद क्या होगा कि जब ये एक लाइन प्रिंट हो जाएगी तो ये जो पेज है फिर ये एक स्टेप आगे मूव करेगा वो सर्कल्स की वजह से जो उसकी साइड पर होते हैं, और उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर अगली लाइन इसी तरह से लेफ्ट टू राइट जो है प्रिंट होगी। अब इसमें आप देख रहे हैं जो एनिमेशन है इसमें आप देखें तो कुछ पिन पॉइंट्स जो है वो रेड हो जाती है, जब ये गुजरता है प्रिंट हेड तो कुछ पिन जो है वो रेड हो जाती हैं और कुछ पिन जो है वो वाइट ही रहती हैं। तो एक्चुअली जो व्हाइट रेड पिन होती है वो क्या होता है कि अगर आप इसको इस तरह से साइड वाइज देखेंगे ना, जैसे ये पिन लगी हुई है इस तरह से ये साइड वाइज आप देख रहे हैं, तो इसमें होगा कि कुछ पिन जो है वो थोड़ी सी बाहर आ जाएंगी, ऐसे स्लाइड सी थोड़ी सी बाहर आ जाएंगी, और उसके बाद ये पूरे का पूरा प्रिंट हेड जो है ये रिबन पे जाके जो है वो जो है ना फिर उस पर जो है वो जाके स्ट्राइक करेगा। अच्छा सॉरी बेटा, बस ये आपको पता है कि ये वर्क फ्रॉम होम के जो नुकसान है। अच्छा, तो इसमें हम कह रहे थे अब क्या होगा कि जब ये आप देखेंगे कि जब इसको साइड वाइज देखेंगे ना आप, तो जब प्रिंटिंग होती है तो फिर एक पिन जो है ना वो थोड़ी सी आगे निकल आती है, और इस तरह से फिर ये पूरे का पूरा हेड जाके स्ट्राइक करता है रिबन पे। तो सिर्फ उस पिन का ही इम्प्रेशन पेज पे बनता है जो पिन बाहर होती है, जो पिन पीछे होंगी उनका इम्प्रेशन जो है वो पेज के ऊपर नहीं बनेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये आप देख रहे हैं कि ये जब जैसे जैसे ये प्रिंट हेड मूव कर रहा है तो सारी सारी की सारी पिन जो है वो स्ट्राइक नहीं करती, मतलब वो प्रिंट उनका इंप्रेशन नहीं बनता, सिर्फ उनका बनता है जो पिन जो है वो थोड़ी सी फॉरवर्ड आ जाती है। तो ये एक्चुअली प्रिंटिंग प्रिंट कंट्रोल कर रहा होता है कि किन पिन को जो है वो फॉरवर्ड करना है, किन को जो है वो पीछे रखना है। तो इस तरह से जो है वो फिर ये प्रिंट जो है वो होता है। तो इसको हम कहते हैं एक तरह से कह लेना कि इसको ये हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल इंपैक्ट प्रिंटर्स को कहते हैं, क्योंकि ये हॉरिजेंटली प्रिंट करता है।
तो आप देखें कि इसमें क्या है कि जो एक वर्ड है वो एक वक्त में प्रिंट नहीं होता, बल्कि उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके प्रिंट होता है पार्ट वाइज। तो ये टिपिकली इस तरह से होता है कि यू ये 9 आई थिंक इसमें 9, 8 या 9 पिन इसके अंदर होंगी। तो अगर अच्छा अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है और उसमें जो है वो उसके अंदर जो है वो जो आप कह लें कि जो प्रिंट जो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पिन ज्यादा है, तो फिर उसकी प्रिंट स्पीड जो है वो उसकी वो जो है वो ज्यादा होगी, अदरवाइज उसकी जो प्रिंट स्पीड है वो कम होगी। तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि उसमें उसके हेड में नंबर ऑफ पिन जो है वो कितनी है। ये जो हेड जो ये हमने देख रहे हैं ये 9 हेड होता है, कम भी इससे भी कम वाले होते हैं, जो कि बहुत ज़ाहिर बात है उसकी प्रिंटिंग जो है फिर और स्लो हो जाती है। अगर ज्यादा होंगी, अगर इतनी ज्यादा प्रिंट हो कि वो एक ही वक्त में एक एक एटलीस्ट एक करेक्टर जो है प्रिंट कर सके, तो फिर उसकी प्रिंट स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अगर आप इसका प्रिंट देखेंगे ना, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको क्लियरली उसके अंदर डॉट्स नजर आएंगे। तो ये इस चीज की निशानी होती है कि ये जो है डॉट मैट्रिक्स का जो है ये प्रिंट है। तो अक्सर आप कभी मार्केट पे जाए और वहां पे कोई आप रिसीव वगैरह नहीं, वैसे अब मैंने देखा है कि काफी सारे लोगों ने जो है वो रिप्लेस कर दी है, कि अब वो जो है ना वो दूसरे आप कह लें कि अच्छी अच्छी क्वालिटी के प्रिंट्स जो है वो आ गए हैं। लेकिन फिर भी जो है बाज़ूकात इस तरह से होता है कि आप कहीं पे किसी किसी जगह पे किसी स्टोर में जाए, वहाँ पे वो आपको रिसीव देते हैं, तो वो ये इसकी डॉट पैटर्न्स की जो होती है उसकी निशानी मैंने आपको ये बता दी है कि इस तरह से आप देखेंगे तो आपको क्लियरली जो है इस तरह से डॉट्स जो है वो उस पर जो है वो नजर आएंगे। तो ये सिर्फ इस वजह से यूज होता है कि इसकी जो जो इसकी कॉस्ट है वो कम है, और इतना इतना मैटर नहीं करता, क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि वो जो कस्टमर ने क्या करना होता है कि उसने कौन सा वो रसीदें संभाल के रखनी होती है, वो तो बाद में फेंक ही देनी होती है, इसलिए वो ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि वो जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, ये चीज़ इतना इतना जो है वो मैटर नहीं करती। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें, प्रिंट स्पीड इसकी हम मेजर करते हैं करेक्टर्स पर मिनट में, तो ये अप टू 200 से लेकर कहने के 1000 करेक्टर्स पर मिनट तक होती है, वो भी ड्राफ्ट क्वालिटी की। ग्राफिक रेजोल्यूशन इसकी बहुत कम है, 72/360 DPI। और एक इसका फायदा ये है कि इसके साथ आप कॉपीज भी बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऐसे करते हैं कि अगर आपको एक से ज्यादा कॉपी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि कार्बन पेपर रख के जिस तरह से वो इंक रिबन रखा हुआ है उसी तरह से कार्बन पेपर रखें, तो एक ही वक्त में ओरिजिनल भी प्रिंट हो जाएगी और साथ उसके एक या दो कॉपीज भी जो वो भी प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट एंड ऑफ लाइफ इसकी जो है वो 200 से 400 मिलियन करेक्टर है। और वर्कलोड, उसका वर्कलोड से मुरादी होती है कि इसकी पर मंथ जो है पेजेस, वर्कलोड को मेजर करते हैं पेजेस पर मंथ में, एक मंथ में कितने पेजेस कर सकते हैं, तो तकरीबन 6,000 से 60,000 तक होते हैं। प्राइस इसकी जो है वो काफ़ी कम है, और जो खासतौर पे जो लो एंड जो हैं जो जो ज़रा थोड़े स्लो हैं उनकी उनकी प्राइस तो काफ़ी कम है, इजीली आपको जो मिल जाएंगे। कॉस्ट ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है, 30 पैसा टू 60 पैसा इंक्लूडिंग पेज कॉस्ट आप कह लें कि उसके अंदर होती है, क्योंकि इंक रिबन होता है वही सिर्फ इसके अंदर इस्तेमाल होता है, और वो इंक रिबन की भी कोई प्राइस कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो इसलिए ओवरऑल अगर आप देखें तो इसकी जो प्रिंट कॉस्ट है वो काफ़ी काफ़ी जो है वो कम होती है। अच्छा, एडवांटेजेस इसके क्या हैं, प्रिंटिंग ऑन मल्टी पार्ट स्टेशनरी, प्रिंटिंग ऑफ कार्बन कॉपीज अलॉन्ग विद ओरिजिनल प्रिंट्स, लोएस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेज, एज इंक इज रनिंग आउट द प्रिंट आउट ग्रेजुअली फेड्स रादर देन सडनली स्टॉपिंग पार्ट वे थ्रू अ जॉब, कंटिन्यूस पेपर शीट बंडल कैन लास्ट 4 वीक्स इवन इन हैवीएस्ट वर्कलोड इन्वायरमेंट, दे आर गुड रिलायबल वर्क हाउस आइडियल फॉर यूज इन सिचुएशन वेयर प्रिंटेड कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वालिटी, द इंक रिबन डज नॉट ईजिली ड्राई आउट। तो ये इसकी आप देखने की इसकी कुछ क्वालिटी ने, तो एक तो इसका जैसे आपको बताया कि प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम है, अगर आप इसको ये देखें कि इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है। मल्टीपास स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ आप पहला इसका आपको बॉक्स मिलेगा पेजेस का, तो वो पेजेस का बॉक्स मिलेगा, तो आपने करना है कि सिर्फ पहले पहले पेज को जो है वो आपने प्रिंट में लगाना है, बाकी पेजेस खुद ब खुद ही जो है उसके अंदर चले जाते हैं। तो वो बाजू का जो लोग ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग होती है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, जैसे बैंक बैंक्स यूज़ करते हैं इसको बाजू का अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए, तो उसमें होता है कि वो बड़े बड़े बॉक्स लेके तो फिर उसको जो है वो यूज़ करते हैं, वो फिर कई कई हफ्ते या कई कई महीने जो है वो फिर पूरा बॉक्स जो है वो चलता है। प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी बहुत कम है। फिर दूसरा होता है कि अगर इस तरह से हो के प्रिंट
प्रिंटिंग सडनली स्टॉप नहीं होती, वो फेड होना शुरू हो जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि अब इंक कम हो रही है, तो आप नया रिबन जो है वो लगा दें, ठीक है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे आप उसको उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जहाँ पे क्वालिटी इतना मैटर नहीं करती, सिर्फ ये है कि आपको जो है वो सिर्फ आपको प्रिंट चाहिए, चाहे उसकी क्वालिटी लो भी हो तो चाहिए, लेकिन लो कॉस्ट प्रिंट चाहिए, तो वहाँ पे आप इसको जो है उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो इंक रिबन होता है ये अगर पड़ा भी रहे तो इतनी जल्दी ड्राई आउट नहीं होता, इंक होती है उसमें कुछ केमिकल वगैरह ऐसे होते हैं कि वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता, वो काफ़ी अर्से तक जो है ना वो आपके काम जो है वो आ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या, इंपैक्ट प्रिंटर्स आर ये यूजली दे आर नॉइजी, और ये नॉइजी होते हैं, और ये इतना इतना ये करते हैं जो बड़े खास तौर पे प्रिंटर हैं, बड़े जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो उनका उनका शोर इतना होता है कि उनको उनको मतलब क्या करते हैं कि उनको फिर साउंड प्रूफ इनक्लोजर्स में रखते हैं, कि कमरे में रखते हैं उसको, शीशे का कमरा बना के साउंड प्रूफ कमरा बना के उसके अंदर रखते हैं ताकि उसके शोर से बाकी लोग जो है अफेक्ट नहीं हो। मुझे याद है जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ पे हमारी लैब में एक इस तरह का प्रिंटर था, तो वो प्रिंटर समझ लें कि पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज़ गूंज रही होती थी जब वो चलता था, और काफ़ी मतलब उसकी आवाज़ जो है ना वो लाउड होती थी, वो इस तरह से जैसे कुछ चीख रहा होता है, इस तरह से कुछ चीज़ आप रगड़ रहे हैं, जैसे ये मेटल की चीज़ के ऊपर आप कोई कील रगड़ रहे हो, तो इस तरह की साउंड होती है ना, तो उस तरह की साउंड जो है इसकी इसकी होती थी। ग्राफिक्स ये प्रिंट नहीं कर सकते आप, और कलर भी प्रिंट इसके ऊपर जो है नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा जो है वो दो 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 कलर इसके ऊपर जो है प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि ना कोई इमेज वगैरह प्रिंट इसके ऊपर कर सकते हैं, ना अगर आप कोई कलर कलर प्रिंट ले सकते हैं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही जो इसके ऊपर जो है वो ले सकते हैं, और स्पीड भी इसकी कम होती है, तो ये इसके कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। वैसे ये डिसएडवांटेजेस तकरीबन सारे ये जो आगे भी हम पढ़ेंगे जो इम्पैक्ट प्रिंटर सबके साथ हैं, तो ये यही इम्पैक्ट प्रिंटर्स में सिर्फ ये डॉट प्रिंटर्स ये जो अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी जो टेक्नोलॉजीज हम अगर जो हमने पढ़नी है ये अब इस्तेमाल नहीं होती, ये अब एक तरह से कहने के ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्पज के लिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि और इसके अलावा कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो होती हैं। तो लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, तो ये जो डॉट प्रिंटर्स है इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल, क्योंकि ये इस तरह से हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट प्रिंट करते हैं, तो जो लाइन प्रिंटर है इसको पैरेलल इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो पैरेलल इंपैक्ट प्रिंटर्स क्यों कहते हैं, ये एक इसकी एनिमेशन है इसी तरह से देखे नीचे, तो इसमें जो है ना पिन इस तरह इसके पिन ये पिन नहीं है बल्कि हैमर है, दीज आर लाइक हैमर, छोटे छोटे हैमर है। तो अब आप देखें कि जैसे जैसे ये हर हैमर की एक जगह दी हुई है, उसको उसको एक स्पेस दी हुई है कि आपका आपका जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये प्रिंट है, तो अब ये क्या करता है कि जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अप फ्रॉम अप टू डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया तक, पूरा पूरी लाइन नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा एरिया इसने जो है वो कवर करना है, और उसके बाद फिर इसने नीचे जो है वो मूव कर देना है, पहले इसने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, फिर एक स्टेप नीचे आना है, फिर लेफ्ट टू राइट मूव करना है, फिर एक स्टेप नीचे आना है, और यहाँ पे आप देखें कि ये उसी तरह से हो रहा है जैसे पिन का हमने बताया था, डॉट मैट्रिक्स की पिन का बताया था कि वो स्ट्राइक करती है, उसी तरह से इसमें ये हैमर है, ये बेसिकली ये एक तरह से कह लें इसको हैमर बैंक आप कह सकते हैं, तो ये छोटे छोटे हैमर होते हैं, बहुत बड़ा नहीं होगा, ये पिन सिर्फ पिन जिस तरह से होती है, एक आप कह लेंगे जिस तरह के कॉमन पिन है उस तरह का एक छोटा सा एक हैमर होगा, तो ये स्ट्राइक करता है, ये जब जिस तरह से मूव करता है, तो जब उसकी उसकी आप कह लें कि बारी आएगी तो ये स्ट्राइक करेगा और उसका इमेज जो है उसके ऊपर जो है वो पेज के ऊपर जो है वो बन जाएगा। तो ये इसमें आप देखें कि इसमें इसको पैलर इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, और इसमें आप देखें कि ये एक लाइन, इसको लाइन प्रिंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक वक्त में एक लाइन पूरी प्रिंट करता है। अब आप देखें जब ये कंप्लीट होती है तो एक लाइन एक वक्त में प्रिंट होगी, डॉट प्रिंटर्स में क्या था कि करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंटिंग होती है, इसमें लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग होती है, तो ये बेसिक बेसिक जो है वो डिफरेंस होता है बिटवीन डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर, तो ये रोज रोज वाइज जो है वो प्रिंट करता है, तो इन हैमर्स को जो है वो फिर प्रिंटर कंट्रोल कर रहा था, प्रिंटर जिस तरह से उसको प्रिंट की कमांड है तो उस तरह से आती है, तो फिर उसके हिसाब से कंट्रोल करता है कि किस प्रिंट ने किस पिन ने स्ट्राइक करना है और किस पिन ने स्ट्राइक जो है वो नहीं करना। बाकी इसकी देखें तो तकरीबन इसकी चीजें जो है वो सारी अच्छा, इसकी जो स्पीड है वो हम मेयर करते हैं लाइन पर मिनट में, डॉट प्रैक्टिस की जो स्पीड थी वो हम मेयर करते हैं करेक्टर्स पर मिनट में, इसकी मेयर करते हैं लाइन पर मिनट में, ग्राफिक रेजोल्यूशन इसके नहीं है, इसमें भी ओरिजिनल की कॉपीज बना सकते हैं,
और इसका इसका जो वर्कलोड है वो ज़्यादा बेहतर है, जो वर्कलोड जो साइकिल है वो ज़्यादा, ड्यूटी साइकिल इसका ज़्यादा बेहतर है डॉट मैट्रिक्स से। प्राइस इसकी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और बाकी जो प्रिंट कॉस्ट है वो तकरीबन उतनी है जितनी जो डॉट मैट्रिक्स की है। तो आमतौर पे ये जो है ये आप कह लें कि जब इंडस्ट्रियल लेवल पे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको जो है प्रिंट्स चाहिए तो वहाँ पे आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी जैसे बैंक्स है, बैंक्स अक्सर यूज करते हैं, बैंक्स अभी भी ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है अभी भी यूज करते हैं, और सिर्फ उसकी रीज़न ये होती है कि उनको लो क्वालिटी के प्रिंट्स जो है वो चाहिए, उस पर्पज़ के लिए जो है उसको यूज़ करते हैं। या कोई भी ऐसी सिचुएशन के जहाँ पे आपको क्वालिटी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको लो कॉस्ट चाहिए, तो वहाँ पे आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये डेजी व्हील प्रिंटर है, ये डेजी व्हील प्रिंटर आप कह लें कि दिस इज द फ्रॉम द अर्लीस्ट अर्लीस्ट जो हमारे पास जो आप कह लें कि जो प्रिंटर्स थे उनमें से है, और ये प्योरली आप कह लें कि एक एक जो आप कह लें कि जो ये टाइपराइटर है उसकी एक ऑटोमेशन है, इसको ऑटोमेट किया गया, तो वो प्योरली ये सारे के सारे जो है ये उस तरह से जो है वो काम करते हैं। तो इसका अगर आप देखें प्रिंट हेड इस तरह से होगा, ये सर्कल ये कीज लगी हुई है, एक व्हील है डेजी व्हील जिस तरह से हम इसे कहते हैं ना, तो आपने वो डेजी का फूल देखा होगा, वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता होता है कि दरमियान में उसके इस तरह से वो उसके होते हैं और साइड पे उसके जो पत्तियां जो है वो लगी होती है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही है, ये कीज लगी हुई है। अगर आप देखें जिस तरह टाइपराइटर की कीज है, तो उस तरह से ये सारी की सारी ये कीज है। तो अब इसमें होता क्या है कि ये जो व्हील है ये प्रिंटर के साथ अटैच होता है। अब ये व्हील रोटेट करता है, व्हील रोटेट करके ये जो की है ये एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आती है, जब वो की पोजीशन पे आ जाएगी तो उसके पीछे से हैमर जो है वो स्ट्राइक करेगा, और हैमर स्ट्राइक करेगा तो जिस तरह से टाइपराइटर में होता है कि उसकी कंप्रेशन जो है वो पेज पे बनेगा, तो उसी तरह से इसका जो इम्प्रेशन है वो भी क्या होगा कि वो भी जो है वो पेज के ऊपर जो है वो बन जाता है। तो ये देखिए ये सारी कीज, लोअर केस अपर केस कीज नंबर ये सारे जो है ये इसके साथ जो है वो सारे के सारे जो है वो इसके साथ अटैच है। तो ये जो है ये इस तरह से जो है ये प्रिंटर जो है ये आप कह लेंगे डेजी व्हील प्रिंटर ये काम करता है। तो ये अब इसमें तो ये है कि आप इसमें इसका फॉन्ट भी चेंज नहीं कर सकते, जो कि इसके ऊपर फॉन्ट बना हुआ है वही फॉन्ट जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर अब इस्तेमाल नहीं होते, दे आर ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट, और इस पे अब इसका इस्तेमाल सिर्फ वो आपको म्यूजियम्स वगैरह में मिलेंगे, अदरवाइज रियल लाइफ में कोई कंपनी इसको अब जो है वो नहीं बना रही। ठीक है जी, तो दिस वाज दी डेजी व्हील। बाकी जो है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसकी भी जो स्पीड है वो करेक्टर्स पर सेकंड में जो है वो मेयर करते हैं, और दैट्स इट। क्योंकि अब ये इतना इतना पॉपुलर नहीं है, इतना कोई इसके इसका कोई स्कोप नहीं है, और ना ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे, और इसमें भी हमने जो है वो तीन टेक्नोलॉजी जो है वो पढ़नी है, लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर। इसमें एक चीज जो है वो ये है कि इसमें स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं है, अभी जिस तरह से हम देखेंगे तो स्ट्राइकिंग किसी तरह की नहीं होती है, उसके अलावा अल्टरनेट मैकेनिज्म है, और इन सब में जो है वो सेपरेट जो पेजेस यूज होते हैं, जो सेपरेट शीट्स होती हैं, और वन बाय वन जो है वो प्रिंटर के अंदर जो है वो जाती है। और इसके अलावा जो है उसमें ये है कि इंक इसमें जैसे अभी हम आगे चल के भी देखेंगे कि जो इसमें जो लेजर में जो इंक यूज होती है ये पाउडर फॉर्म में होती है, और इंक जेट में जो यूज होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है, और इसके अलावा जो थर्मल में यूज होती है ये अगर यूज हो तो ये वैक्स फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में भी होती है लेकिन वैक्स फॉर्म में भी इसकी जो है वो थर्मल प्रिंटर में इंक जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की डिपेंडिंग ऑन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो डिफरेंट टाइप की जो जो आप कह लेंगे इंक्स जो है वो जो है वो इस्तेमाल जो है वो होती है। हाँ ठीक है जी, तो इसको जो है वो देखते हैं। लेजर प्रिंटर जो है वो क्या है कि इस टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूटिलाइजेस अ लेजर बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन अ फोटो कंडक्टर ड्रम। तो इसका जो सारा मैकेनिज्म है उसको जो है वो हम देखते हैं, लेकिन पहले देखने के इसके अंदर अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें फोटो कंडक्टर और फोटो रिसेप्टर ड्रम होता है, अ ड्रम कोटेड विद अ फोटो कंडक्टिव मटेरियल। तो होता क्या है कि सबसे पहले हमने इसका नेगेटिव बना, जो चीज़ प्रिंट करनी होती है उसका नेगेटिव बनाते हैं,
वो लेजर की मदद से जो है वो नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है कि उल्टा होता है, जब वो जिस तरह से आपने स्टैंप देखी है ना, वो स्टैंप में या अभी अभी हम डेजी व्हील देख रहे थे तो उसमें उसकी कीज थी, तो आप वो देखें कि वो नेगेटिव होती हैं। जब उसको उसको जब आप उसको आप जब आप करेंगे ना उसको पेपर पे करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सीधी हो जाएगी, अदरवाइज वो जो है वो उल्ट उल्ट होती है वो। तो इसी तरह से पहले उसका पॉजिटिव बनाते हैं इमेज का, सॉरी नेगेटिव बनाते हैं, और वो हम लेजर की मदद से बनाते हैं। ये फोटो कनेक्टर ड्रम होता है, जहां जहां पे हम उस लेजर बीम को मूव करते हैं तो वहां वहां पे इमेज बन जाता है। बाद में हम उसको इंक के साथ जो है वो हम उसको अटैच कर देते हैं। उसके बाद एक चार्जिंग वायर, एक कोरोना वायर होती है, इसके एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जिंग ऑन द ड्रम सरफेस। फिर एक लेजर असेंबली होती है जो कि मेन रोल प्ले करती है इसके प्रिंटिंग प्रोसेस में, कि उससे लेजर बीम निकलनी होती है और वो उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर स्ट्राइक करनी होती है। टोनर होता है, इसकी जो इंक होती है उसको हम टोनर कहते हैं, एक कंटेनर के अंदर इंक होती है तो उसको हम जो है वो टोनर जो है वो हम कहते हैं। फिर एक फ्यूजर होता है, ये बेसिकली पेयर्स ऑफ हीटेड रोल्स होता है। इंक इसकी जो कि पाउडर फॉर्म में होती है तो उसमें ये होता है कि उसको बाद में हम हीट करते हैं ताकि वो हीट मेल्ट होके पेज के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए, तो उसके लिए फिर हम ये फ्यूजर जो है इसको जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये देख लें, ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है एक प्रिंटर का। ये टिपिकल जो प्रिंटर है एचपी का प्रिंटर है, उसका आप कह सकते हैं कि उसका एक साइड व्यू है। तो इसमें आप देख लें कि ये लेजर असेंबली है, दिस इज द लेजर, और ये वो आप कह लें कि ये जो फोटो ड्रम जिसकी हमने बात की थी, फोटो रिसेप्टर ड्रम, ये वो है। और उसके अलावा ये कोरोना वायर है जो उसको चार्ज करती है एक्चुअली, और इस तरह से एक डिस्चार्ज लैंप है इसके अंदर, और यहाँ पे ये जो है वो टूनर है जो इंक होती है। तो ये सारी इंक होती है, पूरा एक आप कह लें कि वो एक तरह से आप कह लें कि पूरा ये मिलता है टूनर, आप उसको हम कहते हैं, उसी के अंदर इंक होती है। उसी के अंदर जो है ये एक डेवलपर रोल होता है जो कि इंक ट्रांसफर करता है ड्रम के ऊपर, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। ये फ्यूजर है, ये वाले जो है होता है इस तरह से है कि ये पेजेस आमतौर पे इसके नीचे होते हैं, नीचे पेज की जो ट्रे बनी होती है, तो यहाँ से आप देखेंगे पेज आता है सबसे पहले, और ये पेज इस तरह से होता है कि इसको जो है ना वो हम चार्ज करते हैं एक्चुअली। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको जो है ना वो ये पेज के ऊपर थोड़ा सा चार्ज देते हैं। अच्छा, उससे पहले क्या होता है, जो इससे पहले ये होता है कि जो लेजर बीम है ये इस फोटो कंडक्टर के ऊपर, ये जो फोटो रिसेप्टर ड्रम है इसके ऊपर जो है वो गिरती है। तो जैसे मैंने बताया कि उसने नेगेटिव बनाना है इसके ऊपर जो भी चीज प्रिंट होनी है, तो ये जहां जहां पे ये अगर आपको किसी को याद हो बचपन में हमने एक्टिविटी करते थे कि उसकी आलू की स्टैंप बनाते थे, तो स्टैंप में आपको पता है कि इस तरह से होता है कि जिस तरह से ये लेजर लिखा है ना तो ये उल्टा आएगा इस तरह से, इस फॉर्म में जो है ना इस तरह से ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये जस्ट मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, हम उस बचपन में जो है वो इस तरह से जो है वो करते होते थे ये ऐसे। अब आप देखें कि ये जो मैंने लेजर लिखा है ये इस लेजर का एग्जैक्टली उल्टा है, तो जब आप इसको पेज के ऊपर करेंगे ना तो ये सीधा हो जाएगा, ये बिल्कुल इसका इसका जो प्रिंट आएगा वो बिल्कुल आएगा, वो बिल्कुल सीधा आएगा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव, मतलब ये एक टर्मिनोलॉजी फोटोग्राफी की जो है उसको हम यूज करते हैं। तो इमेज पे अगर आपको देखते हैं ना तो वो भी उल्टा होता है, लेकिन जब उसको पेज पे उसको हम करते हैं ना ट्रांसफर करते हैं तो वो फिर सीधा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं, हम इसको कहते हैं ये नेगेटिव है। तो इसी तरह से ये नेगेटिव ये इसके ऊपर जो है वो डेवलप करता है। तो जहां जहां पे ये होता है ये लेजर बीम इस तरह से करती है कि उसको जहां जहां पे ये लेजर बीम गिरती है ना तो वहां वहां पे क्या करते हैं कि वो उसको जो है ना वहां वहां पे ये चार्ज रहता है और बाकी जगहों पे चार्ज जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि पहले इसने ये काम किया, फिर उसके बाद ये इंक जो होती है ना, अगर ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इंक को हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, ऑपोजिट चार्ज जो है ना वो दे देते हैं। तो उसे करते हैं कि जहां जहां पे चार्ज होते हैं ना वहां वहां पे इंक पार्टिकल जो है वो इसके साथ चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से पेज आता है, पेज इसके साथ से गुजरता है, पेज को भी हम इसके उल्ट चार्ज दे देते हैं, यानी अगर इंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पेज को हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे। फिर उससे क्या होता है कि जो पेज है, पेज जो है वो क्या होते हैं कि वो इंक जो है पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। फिर पेज देखें, ये उसका पाथ बना हुआ है, यहाँ से गुजरती है ये फ्यूजर में से, तो फ्यूजर जो है वो क्या करता है कि इंक को मेल्ट करके पेज पे उस पे अब्जॉर्ब करा देता है, और उसके बाद फिर जो है वो यहाँ से ये क्या होता है कि ये गुजर के ये उसका रास्ता है और फिर ये पेज जो है प्रिंटर से बाहर आ जाता है। अच्छा, ये ड्रम जो है इसी तरह से मूव करता रहता है, यूं इस तरह से इस फॉर्म में, ये इसकी डायरेक्शन है मूव करने की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
उसके बाद यहाँ पे एक डिस्चार्ज लैंप है, ये डिस्चार्ज लैंप क्या करता है कि चार्ज को बिल्कुल खत्म कर देता है, और उसके बाद फिर इस कोरोना वायर की मदद से हम इसको दोबारा चार्ज करते हैं। इसके ऊपर पूरे के ऊपर पूरे ड्रम के ऊपर यूनिफॉर्म चार्जिंग होती है। तो अगर बिफोर ये इसके ये लेजर के हम इसको देखेंगे तो इसके पूरे सरफेस के ऊपर ड्रम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो पूरे के ऊपर चार्ज होगा, यूनिफॉर्म चार्ज होगा। जब लेजर वाइज गिरेगी तो इनमें से चार्ज को खत्म कर देगी, सिर्फ उस सरफेस पे उतने से पे चार्ज रहेगा जहां जहां पे हमने ये नेगेटिव जो है वो डेवलप करना। तो इस तरह से ये लेजर, ये जो लेजर प्रिंटर है ये इस तरह से जो है वो काम करता है। तो ये जितने भी है जो फोटो कॉपी मशीन है, हम वो कहते हैं ना पाउडर वाली कॉपी, तो एक्चुअली वो क्या होते हैं कि वो लेजर प्रिंटर होते हैं, वो सारे के सारे लेजर प्रिंटर होते हैं। तो वो इस तरह से, और ये कॉमन है, इट्स क्वाइट कॉमन। अभी इतना इतना जो है वो आप कह सकते हैं कि ऐसे नहीं है कि बहुत ही रेयर हो, दे आर वेरी वेरी कॉमन, ये अब आम आम जो है बिल्कुल इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारा मैंने प्रोसेस जो है ये मैंने आपको बता दिया कि पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो है उसको जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं यूजिंग कोरोना वायर। फिर उसके बाद जो है वो उसको फोटोस्टैटिक इमेज उसके ऊपर बनाते हैं, वो जो एक इमेज बना होता है विद हेल्प ऑफ स्टैटिक चार्ज, तो उसको हम कहते हैं फोटोस्टैटिक चार्ज। तो होता है इस तरह से है कि ये जो लेजर बीम क्या करती है कि जो जिस जगह पे चार्ज नहीं चाहिए होता उसको वहाँ वहाँ पे गिरती है, तो चार्ज वहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर इसकी डेवलपमेंट होती है, जिसमें ये डेवलपमेंट में होता है कि इंक जो है, इंक पार्टिकल्स उसके साथ जो है वो चिपक जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको हमने पेज के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, और फिर हम पेज को फ्यूजर में से गुजारते हैं, तो वो जो है वो फिर वो फ्यूजर से वो हीट होके और इंक जो है वो मेल्ट होती है, मेल्ट होके फिर वो उसके अंदर जो है हाँ वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से फाइनली जो है वो फाइनली जो प्रिंट है, प्रिंट जो है वो फिर इसके अंदर जो है वो उसके अंदर जो है वो फिर वो गुजर जाते हैं। और आखिर में हम क्या करते हैं कि जो एक्सेस इंक और टूनर के ऊपर, उसके ऊपर जो ड्रम के ऊपर जो चार्ज है उसको खत्म कर देते हैं, ताकि फिर नए नए स्टेप के लिए जो है वो प्रिंटर जो है वो रेडी हो जाए। तो अगर आप इसकी देखें तो इसकी जो प्रिंट स्पीड है, अच्छा अब ये डिफरेंस देखिए देखिएगा कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे उनकी प्रिंट स्पीड हम मेयर कर रहे थे करेक्टर्स पर मिनट में या लाइंस पर मिनट में, और इसकी जो प्रिंट स्पीड है वो हम मेयर करते हैं पेज पर मिनट में, एक मिनट में कितने पेज करते हैं। तो टिपिकल जो होते हैं 4 to 50 पेज होते हैं जो आम इस्तेमाल होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल प्रिंटर जो बड़े साइज के प्रिंटर है दे कैन अप टू 50 1000 पेजेस पर मिनट। ग्राफिक इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसकी ओरिजिनल कॉपीज जो है वो इसकी नहीं बना सकते आप इसकी, और इसका जो वर्कलोड जो उसका ड्यूटी साइकिल है वो भी बहुत एक्सीलेंट है, बहुत बड़ी तादाद में आप इससे पेजेस जो है वो इससे प्रिंट कर सकते हैं। प्राइस इसकी जो है वो आप कह लें कि थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर से थोड़ी ज़्यादा होती है। मेरा ख्याल है कि अगर आपको आजकल तो वैसे वो यूज भी मिल जाते हैं, अगर आप हार्ड लोड से या फील्ड सेंटर में जाएँ तो वहाँ पे वो यूज भी पड़े होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं, स्लाइटली यूज होते हैं, थोड़ा बहुत उसको वो उसको साफ सुफ करके जो है ना वो आपको वो दे देते हैं, और उनका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो वो भी आपको जो है ना वो अच्छी प्राइस में 8 6 7 हज़ार में भी आपको वहाँ पे प्रिंट जो है वो मिलेगा। प्रिंट कॉस्ट इसकी थोड़ी ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 2 to 10 रुपीज़, ये डिपेंड करता है कि कौन किस टाइप का प्रिंटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जो आमतौर पर जो घरों में इस्तेमाल के लिए होते हैं उसकी थोड़ी स्पीड भी कम होती है और प्रिंट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, जो बड़े इंडस्ट्रियल लेवल के हैं उनके प्रिंट कॉस्ट जो है वो कम कम काफ़ी जो है वो कम होती है। अच्छा उसके बाद जो है वो हमने डिस्कस करने हैं इंक जेट प्रिंटर। तो इंक जेट जो प्रिंटर्स हैं इसमें क्या है कि जो इंक इसमें जो इस्तेमाल होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये भी काफ़ी कॉमन है, आपने देखे होंगे कि एचपी के जो इंक जेट प्रिंटर्स हैं दे आर क्वाइट कॉमन। उसको जो है वो आप जो है इसको देखे होंगे आपने होपफुली। तो पहले देख लेंगे ये काम इस तरह से करते हैं। तो होता है इस तरह से है, ये जेट आपको पता ही, केमिस्ट्री वालों को तो जेट के मतलब जो है पता होगा, पता है कि नहीं पता, व्हाट इज अ जेट जी बेटा, क्या होता है जेट को बोलो तो सही। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, यस आ सर, रही है सर आवाज। आवाज आ रही है। हाँ जी, तो मैंने पूछा जेट क्या होता है, व्हाट इज जेट, फाइटर सर, जेट की थी मैं बात। एरोप्लेन
हाँ वही मैं कहने लगा था, फाइटर जेट के लिए बात करना। वैसे वो भी ठीक है कि वो फाइट जेट वो भी उसी तरह से होते हैं। आपने जेट नहीं बनाया कभी? यार मैंने तो मैट्रिक में केमिस्ट्री जब पढ़ी थी तो हमने जेट बनाया था। है इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया कभी? नो सर, नो सर। यार हमने इस तरह से किया था, ये देखें जैसे एक ग्लास की एक ट्यूब होती है ना, ये इस तरह से ग्लास की ट्यूब है, तो इसको दरमियान में से जिस तरह से वो बर्नर नहीं होता, बर्नर जिस तरह से बर्नर होता है, तो इसको ना हीट करते हैं दरमियान में से, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ना दो इस साइड पे ऑपोजिट साइड पे पुल करते हैं। पुल करते हैं तो ये फिर क्या होता है कि ये दरमियान में से इस तरह से जो है वो क्या होता है कि इनके दरमियान में इस तरह से ऐसे इस तरह से हो जाता है, जस्ट लाइक दिस वन, सिर्फ ये एक स्लाइड सा दरमियान में ऐसे कॉन्टेक्ट रहेगा। तो फिर आपने हल्का सा इसको जो है ना वो ये एक्चुअली ट्रिक होता है कि ये पीछे दो ये ट्यूब्स जो है ना इस तरह से ये लैदा हो जाती है और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता पुल करते हैं ना, तो फिर इस तरह से ये दरमियान में बन जाता है। अच्छा फिर क्या होता है कि ये दरमियान में सिर्फ इसके कॉन्टेक्ट रह गए, छोटा सा ऐसे जस्ट एक डॉट सा रह जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको हल्का सा ऐसे इसको क्लिक करते हैं ना, तो ये जो है ना फिर क्या होता है कि ये सेपरेट हो जाते हैं, और इस तरह से होता है कि ये पूरी ट्यूब है तो उसके अंदर से जो है वो क्या होता है कि उसके अंदर से फिर ये एंड पे जाके बिल्कुल वो छोटा सा होल बन जाता है, उसको हम जेट कहते हैं। तो हमने तो ये उस वक्त 10th में मुझे याद है कि हमें एक्सपेरिमेंट करते होते थे, और वो फिर हम इस तरह से ग्लास ट्यूब लेके तो फिर उसके उसके जेट जो है वो इस तरह से वो जो है हमारे टीचर हमें जो है उन्होंने मिस कराया था, इस तरह से जेट जो है वो बनाते हैं। पता नहीं आपने क्यों नहीं इस पे काम किया। बहरहाल जेट एक्चुअली क्या होता है कि ये आप कह लें कि इट्स जैसे अब इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल ओपनिंग होती है बिल्कुल छोटी, और यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर्स का टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स फॉर स्प्रेइंग आयोनाइज्ड इंक एट अ शीट ऑफ पेपर मैग्नेटाइज प्लेस इन द इंक पाथ। तो वो जब जेट में से इंक गुजरती है ना, तो चूंकि बहुत छोटा होता है, तो वो एक आपने ऑयल ड्रॉप, वो एक क्या था मिली कैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उस वो याद है कि वो भी भूल गया हुआ है, वो किया कि नहीं किया आपने? वो एक है ना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, मिली कैन एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, वही है ना? जी सर, यस सर, वो यस सर। परफॉर्म हुआ थोड़ी पड़ी। हाँ नहीं, वो मिली कैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो उसमें उसमें भी देखें ऐसे होता है कि जो इंक पार्टिकल जो ऑयल पार्टिकल है जब वो इस तरह से जेट में से गुजरता है ना, वो आयोनाइज हो जाता है, फिर हम उसको उसको जो है ना क्या कहते हैं कि हम उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम उसको जो है वो डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये उसी में ये सेम प्रिंसिपल वही है, वो जब इंक पार्टिकल निकलता है ना वो आयोनाइज होता है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह से करके ना प्लेट्स लगा के तो उसकी डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हैं। उसका मकसद ही होता है कि जहां पे हमने इसको इस इंक पार्टिकल को जहां पे हमने प्लेस करना है वहां पे हम उसको जो है वो हम उसको प्लेस कर दें। इंकजेट प्रिंटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रिंट अप्रोचिंग दैट प्रोड्यूस्ड बाय लेजर प्रिंटर्स, और तकरीबन इसकी जो क्वालिटी है वो लेजर प्रिंटर से जितनी है। तो ये दो हैं, एक बबल जेट है जिसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कैनन और एचपी जो है वो उसको यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका इंक कॉटरेज होती है ना वो लिक्विड फॉर्म में जाहिर सी बात होती है, तो उसके अंदर जो है ना एक छोटा सा बैलून लगाया होता है, बैलून होता है इसके अंदर, तो इस बैलून को करते हैं कि एक्सपेंड कर सकते हैं हम इसको, जब हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो एक्सपेंड होने से क्या होगा कि इंक के ऊपर प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होगा और फिर उससे जो इंक पार्टिकल्स है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक होता है, पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर होता है, ये सिमल्स ने डेवलप किया था 1977 में। ये पीजो इलेक्ट्रिक भी एक तरह की एक सेरेमिक मटेरियल होता है, तो इसमें भी ये भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। इसको जब इसका इसका ये होता है कि इसको जब इसको इसको ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं इसको जब हम हीट करते हैं ना, तो हीट करने से क्या होता है कि एक्सपैंड हो जाए, इसको करंट इसमें से गुजारेंगे ना तो एक्सपैंड होने शुरू हो जाते हैं, तो जितना करंट गुजारेंगे उतना एक्सपैंड होगा, तो उससे फिर क्या होगा कि वो इंक इंक पार्टिकल्स हैं वो फिर प्रेशर, हमने एक्चुअली उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करना है कंटेनर के अंदर, ताकि इंक उसके अंदर से बाहर जो है वो निकले, तो फिर वो इसकी मदद से ये जो पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल होते हैं इसकी मदद से जो है वो हम करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो टेक्नोलॉजी है वो ये बबल जेट टेक्नोलॉजी है, ये सबसे ज्यादा जो है वो यही यूज होती है। तो इसका भी अगर हम देखें तो इसकी जो प्रिंट स्पीड है वो तकरीबन 1 से 20 PPM है, ग्राफिक रेजोल्यूशन अच्छी है, इसमें आप कॉपीज या वो नहीं बना सकते, प्राइस इसकी तकरीबन रिजनेबल है, ये काफी अफोर्डेबल। इसकी इसकी रीजन क्या होती है
कि इसमें प्रिंटर की जो जो मशीन है उसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती, इंक की कॉस्ट ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आप देखें ना, तो अगर आप एचपी का भी अगर आप कोई खरीदे, वो आपको 8-10 हज़ार में आजकल भी आपको मिल जाएगा, जो ये इंकजेट प्रिंटर है। तो उसमें उसमें अगर आप नई कॉटरेज लेने जाते हैं ना, आजकल वैसे ये आ गया कि वो कॉटरेज रिफिल हो जाती है, वो भी ये टेक्नोलॉजी, लेकिन पहले इस तरह से होता था कि वो रिफिल नहीं होती थी। तो मुझे मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त ने एक इस तरह से लिया था, तो वो तकरीबन उस वक्त मुझे याद है कि 3 या 4 हज़ार का आया था, 3 हज़ार का था शायद, 3 साढ़े 3 हज़ार का होगा। तो जब उसने इंक खत्म कर ली, उसने इंक जो है ना वो उसकी कंज्यूम हो गई सारी, खत्म हो गई, तो उसके अंदर ना 4 कॉटरेज होती हैं, 4 कलर की होती हैं, एक रेड रेड उसमें सॉरी एक सियान होती है, एक मजेंडा होती है, एक येलो होती है, और एक उसमें जो है ना वो ब्लैक कलर की ना, ये 4 कलर की, 4 उसके अंदर ये CMYK के हम कहते हैं ना, CMYK के जो वो ब्लैक यूज होता है, तो ये 4 कलर, 4 उसके अंदर जो है ना वो कॉटरेज लगी होती है। तो अब उसमें ये होता है कि जब ये कंज्यूम हो जाती हैं, जब ये कॉटरेजेस हैं ये इस्तेमाल हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना वो फिर ये होता है कि फिर इसको जो है ना फिर हम इसको जो है ना वो हम इसको यूज जो है वो फिर हम इसको नहीं कर सकते हम इसे। तो उसमें फिर ये होता है कि जब ये इसको जो है ना आप इसको करते हैं, मतलब आप ये करते हैं कि इसको जो है ना नई नई कॉटरेज आप लेना चाहते हैं, तो वो मुझे इतना याद है कि वो 3000 का पूरा प्रिंटर था जो हमने नया लिया था, और सिर्फ उसकी जो कॉटरेजेस थी, ये 4 कॉटरेजेस थी, वो तकरीबन 1500-1600 की जो है वो कॉटरेज नई कॉटरेज आ रही थी। यानी इनफैक्ट आप देखें कि प्रिंटर की इटसेल्फ कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, सारी उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, उनकी जो इंक है उसी उसी की कॉस्ट है। तो ये इसी तरह से ये जो है वो करते हैं कि प्रिंटर की कॉस्ट कम रखते हैं, लेकिन इंक पे जो है वो सारा प्रॉफिट जो है वो फिर ये कंपनी जो है वो कमाती है, खासतौर पर एचपी जो इस तरह से करती है। अच्छा, ड्यूटी साइकिल इसका जो है वो भी काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। प्राइस इसकी जो है वो आपको रिजनेबली आजकल थोड़ी प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी, तकरीबन 6-7 हज़ार का जो लो एंड है वो आपको मिल जाएगा, और इसकी जो प्रिंट कॉस्ट है वो थोड़ी लेजर से ज्यादा है। लेकिन ये होता है कि इससे आप कलर प्रिंट जो है वो प्रोड्यूस बड़ी इजिली कर सकते हैं। जो लेजर कलर प्रिंटर है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी रीजन ये होती है कि जो कलर प्रिंट है ना वो इस तरह से होते हैं कि उसमें 4 फेजेस होते हैं। ये जो CMYK के हम बोलते हैं ना, तो उसमें ये लेयर अभी हम आगे चल के भी देखते हैं, तो पहले जो है ना उसमें सियान इंक प्रिंट होती है, फिर मजेंडा होती है, फिर येलो होती है, फिर ब्लैक होती है। तो ये 4 4 कलर इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं 4 कलर। अगर आप कभी जाए ना प्रिंटिंग करवाने जाए तो वो आपसे पूछेंगे जी क्या क्या करनी है, तो जो हाईएस्ट प्राइस होते हैं वो 4 कलर के होते हैं। 4 कलर का मतलब होता है इसमें हर कलर आ जाता है, अदरवाइज अगर आप मोनोक्रोम करवाते हैं यानी कि सिर्फ ब्लैक करवाते हैं उसकी प्राइस काफी कम होगी, अगर आप करवाते हैं 2 कलर करवाते हैं उसकी प्राइस भी कम होगी, लेकिन 4 कलर जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी होती है, और ये सबसे एक्सपेंसिव प्रिंटिंग जो है ये 4 कलर प्रिंटिंग जो है वो होती है। तो मोस्टली अगर आप देखें जिस तरह से आजकल ये बने हुए हैं ना, कि ये फोटो फौरी तौर पर जो है वो आप ले लेंगे, फौरी तौर पर फोटोज ले लें, वो सारे वाले फोटोज वाले ना वो यही यूज करते हैं, यही इंकजेट प्रिंटर जो है ना वो यूज करते हैं। तो वो जैसे ही प्रिंट लेते हैं उसके साथ ही वो फोटो लेते हैं, तो साथ ही प्रिंट क्लिक के लिए जो है वो फिर ये लेजर ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये उनके पास होते हैं, उससे प्रिंट लेके तो फिर वो जो है वो आपको तस्वीर जो है पूरी तौर पे दे देते हैं। अच्छा, फाइनली जो हमने देखना है वो थर्मल प्रिंटर्स देखने। थर्मल प्रिंटर्स जो है ये एक्चुअली क्या करते हैं कि ये हीट को यूज करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ कोई हीट मैकेनिज्म होता है कि जिस तरह से जो है वो हम यूज करते हैं। एक जो इसकी बड़ी बेसिक टाइप है ना वो बिल्कुल डॉट मैट्रिक्स की तरह काम करती है, जिस तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ना वो काम करते हैं ना, तो बिल्कुल उस तरह से जो है ये जो थर्मल प्रिंटर है ना, तो ये जो है ना ये जो है ना ये काम करते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो उसमें क्या होता है कि किस तरह क्या इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जिस तरह से डॉट मैट्रिक्स में जो स्ट्राइक होता है ना, तो इसमें स्ट्राइक नहीं होगा, इसमें बल्कि क्या होगा कि हम पिंस को जो है ना हीट करते हैं, स्ट्राइक करने के बजाय हम क्या करते हैं कि पिंस पिंस को जो है ना वो हम हीट कर देते हैं। जब हम हीट करते हैं ना, तो हीट करने से क्या होता है कि वो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम उसका उस पेज का जो इम्प्रेशन है, उन पिंस का इम्प्रेशन जो है वो पेज के ऊपर वो उसके ऊपर आ जाता है। तो इसमें जो पेज यूज होता है वो खास तरह का होता है कि एक उसको हम कहते हैं फोटोक्रोमिक पेज, फोटोक्रोमिक कहते हैं। आपको पता है कि कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो हीट करने पे कलर अपना चेंज कर लेते हैं, तो इसमें जो है ना वो इस तरह का सॉरी फोटोक्रोमिक कहते हैं,
मेरे ख्याल में यही नाम है, आगे चल के कहीं पे इसका जो है वो आएगा। तो उसके उसके जरिए हम क्या करते हैं कि हम उसका उसका कलर चेंज हो जाता है। वो जैसे ही हम उसको उसको हीट करेंगे ना, तो उसका कलर जैसे ट्रांसपेरेंट होगा, तो उससे ब्लैक या रेड या ब्लू कोई भी कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें इसकी जो इसकी डिफरेंट जो है उसकी इसकी जो है वो क्वालिटीज इसकी टाइप्स है, उसमें एक सॉलिड इंक प्रिंटर है। सॉलिड इंक प्रिंटर में जो है ना, वो वैक्स यूज होती है एज ए इंक। तो वैक्स को हम क्या करते हैं कि मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करके उसको जो है ना, फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको पेज पे हम उसको जो है वो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक एक जो है वो ये इसकी क्वालिटी है। अच्छा, और उसमें वैक्स ये होती है कि वो काफी, आपको पता है, काफी लो टेम्परेचर पे जो है वो मेल्ट हो जाती है। और उसके बाद ये होता है कि उसको जो है ना, फिर जैसे ही वो उसको आप पेज पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो साथ ही वो जो है वो हार्डन हो जाती है। तो वैक्स की स्टिक्स जो है वो इसमें इस्तेमाल होती है। दूसरे जो बहुत कॉमन है और आजकल बड़े कॉमन हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं थर्मल ऑटोक्रोम प्रिंटर। तो ये थर्मल ऑटोक्रोम प्रिंटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि इसमें जो है ना, वो हम क्या करते हैं कि एक पेज लेते हैं, और उस पेज के ऊपर जो है ना एक केमिकल की एक लेयरिंग करते हैं। तो एक्चुअली वो तीन लेयर्स होती हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ये मुझसे कुछ सीधी नहीं बन रही है, बट देयर आर थ्री लेयर्स। ये नीचे सबसे नीचे जो है वो पेपर है, और पेपर के ऊपर जो वो तीन लेयर हैं, यानी कि सियान, मैजेंडा और येलो की तीन लेयर हैं। अच्छा, ये जो तीन लेयर्स हैं, ये नॉर्मली ये जो है ये ट्रांसपेरेंट होंगी, लेकिन जब आप इसको इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा। और हीट आप ऐसे करेंगे कि जिस जगह पे आपने किसी भी लेयर को एक्टिवेट करना है, तो आप पिन पिन का टेम्परेचर वो एक्टिवेशन वाला होना चाहिए। फिर जैसे ही आप उसके ऊपर जो है वो पिन पिन उसके ऊपर आके टच होगी, हीटेड पिन जो है, तो वो कलर वो लेयर जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो आप वन बाय वन एक्टिव करते हैं, पहले सियान को करेंगे, फिर मजेंडा को करेंगे, फिर येलो को करेंगे। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि तीनों तीनों लेयर्स को एक्टिव सिलेक्टिवली अपने इसको जो है वो एक्टिव एक्टिव जो है वो कर सकते हैं। जिस लेयर को करना है तो उस लेयर पे वहां पे जो है पिन को टच करना है, जिसको नहीं करना तो ना करें। तो इस तरह से हमें थ्री पास करने पड़ेंगे। एक्चुअली थ्री थ्री पासेस जो है वो हमें करने पड़ेंगे, पहले एक लेयर के लिए सियान के लिए, फिर मजेंडा के लिए, फिर येलो के लिए, और फिर उसके बाद वन बाय वन जो है ना, ये फिर क्या होगा कि ये हमें कलर जो है वो मिलेगा। तो इसमें जो है ना, वो इसका फायदा ही होता है कि आपको किसी तरह की कलर इंक की जरूरत नहीं है। पेज के ऊपर इंक लगी होती है, आपने सिर्फ क्या करना है कि उसको जो है ना वो आपने एक्टिवेट करना है थ्रू हीट हीटिंग प्रोसेस। तो ये अगर आप थोड़ा सा नेट पर सर्च करें ना, तो कुछ कुछ एचपी का भी, एचपी के प्रोडक्ट्स भी हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं कि उसको हम कहते हैं पोलराइड। अगर आपको थोड़ा सा इसका हो ना, पोलराइड इमेज होते हैं। ये बेसिकली पुराने वक्तों में होता था ना, इस तरह के कैमरे से तस्वीर ले आती है, उसके नीचे से जो है वो एक तस्वीर जो है वो निकल आती थी। तो ये बिल्कुल उस तरह के होते हैं। अब ये प्रिंटर आ गए, आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रिंट लें, और मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक, मैं आई कैन शो यू थोड़ा सा जो है ना, वो मैं आपको इसको जो है ना वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एचपी, मेरे ख्याल में उसका नाम है एचपी फोटो स्मार्ट। हाँ ये है मेरे ख्याल में, दिस वन इज द, हाँ नहीं, ये वाला जो है वो नहीं है। नहीं, ये तो इन सिंपल इंकजेट प्रिंटर है। मेरे ख्याल में वो देखते हैं एचपी, उसका नाम है, मैं अब जस्ट कुछ और वो जो है ना वो सर्च करता हूँ। हाँ ये वाला है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है बेटा, ये वाला जो है। जी सर, हाँ जी, तो ये एक्चुअली क्या है, ये बेसिकली क्या है कि जस्ट आप पाम साइज प्रिंटर है, यानी कि आप इसका जो टोटल साइज है ना, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसने तस्वीर में पकड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल हाथ आपके हाथ पे जो है ना वो पूरा आ जाएगा। तो ये इसमें जो यूज होता है ना, इसमें कोई किसी तरह की इंक नहीं यूज होती, कोई इंक कॉर्ट्रेज नहीं लगानी पड़ेगी, ना लिक्विड फॉर्म में होती है, ना पाउडर फॉर्म में होती है, किसी फॉर्म में इंक नहीं होती है, सिर्फ आपको पेजेस चाहिए। तो वो पेज पेज के ऊपर इंक होती है,
जो इनफैक्ट जो इंक है ना वो पेज के ऊपर ही जो है वो जो है वो होती है। तो अब आपने सिर्फ आपको पेज चाहिए, उसके नीचे जगह बनी होती है वहां पे आप इसका पूरा वो एक मतलब मिलेगा आपको, तो आप वो पेज जो है ना वहां पे वो लगा लें। और उसके बाद जो है ना फिर क्या करें कि जस्ट आपने करना है कि इसके ऊपर मोबाइल रखें, इसके अंदर वो जो है ना ब्लूटूथ या उसके अंदर वो जो NFC टेक्नोलॉजी इसके अंदर होती है, तो उसके जरिए जो भी आपने जो है ना वो कर रहे हैं, तो ये पोर्टेबल कह सकते हैं, सॉरी इसको पोर्टेबल प्रिंट जो है वो इसको कह सकते हैं। तो आप फौरी तौर पे जो तस्वीरें जो है ना वो इसके जरिए आप इसको जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसकी जो प्राइस है ना HP स्पोर ये है स्पोर प्रिंटर प्राइस इन पाकिस्तान, देख लेते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो कितनी है। दराज पे इसको अगर हम देखें तकरीबन ये 3600 रुपये का प्रिंटर है। चाइना में वैसे काफ़ी सस्ता था, महल में 400 400 300 400 RMB का जो है वो आता था, और उस हिसाब से तो ये ठीक है। 27 28 हज़ार का जो है ना ये अभी कह रहे हैं दराज पे इसकी प्राइस जो है वो आ रही है तकरीबन 38,000 जो है ना वो इसकी प्राइस जो है वो आ रही है। तो इसमें इसमें आपको ना मतलब सिर्फ ये कि पेज चाहिए, आपको चाहिए आया ही नहीं है, HP का वैसे आ गया लेकिन वो जो है ना वो नहीं है, प्रिंटर नहीं है। चलो इट्स ओके, नो वरीज, ठीक है। तो ये इसका जो है वो है कि बस आपको वो पेजेस चाहिए, वो जैसे पोलराइड इमेज में यूज करते थे उस तरह के वो उसके वो पेपर मिलेगा, तो आप इससे जो है ना वो 4:6 के इमेज बड़ी इजीली जो है ना इसके जरिए जो है वो प्रिंट कर सकते हो। अच्छा तो ये हो गए हमारे पास, ये हमने डिस्कस कर लिए। इसका एक तीसरी टाइप होती है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, उसमें इंक जो है वो पाउडर फॉर्म में होती है। वो एक्चुअली क्या करते हैं कि इसी तरह से हम क्या करते हैं कि इंक को मेल्ट करते हैं, वो इंक जो है वो मेल्ट होके फिर वो पेज के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो ये मोस्टली इस तरह इस फॉर्म में जो है वो होते हैं। अच्छा इसके बाद हमने देखने 3D प्रिंटर्स देखने। 3D प्रिंटर्स ये होते हैं कि ये जो है ये 3 डायमेंशंस में प्रिंटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें ये आजकल काफी जो है वो कॉमन है, आपने सुना होगा जी 3D प्रिंटेड होम्स और 3D प्रिंटर्स इस तरह से। तो अगेन हम जो है ना वो थोड़ा सा हम देखते हैं इफ़ वी कैन गो हेयर, और हम ये देखें जी 3D प्रिंटर्स जो है ना वो क्या होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दीज आर इस फॉर्म में होंगे जस्ट लाइक दिस वन। तो ये इस तरह से ये देख रहे जैसे उसने एक एक फिगर एक ये फिगरीन जो है ना ये उसने एक प्रिंट की है। तो दिस इज अ 3D प्रिंटर। तो इसमें जो इसमें इसमें किसी तरह की इसमें जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल में कर रहे हैं। जैसे ये जो प्रिंटर है ना तो इसके साथ देखें कि ये इसके साइड पे देखें ये बेसिकली प्लास्टिक की वायर होती है, प्लास्टिक वायर होती है तो ये प्रिंटर के अंदर जाती है ना तो ये बेल्ट होती जाती है, फिर उसके ऊपर ये प्रिंट हेड होता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करता है। तो अगर हम कोई देखें इसका 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 बेनिफिट बहुत है। बेनिफिट ये है कि इससे आप किसी भी तरह का कोई इमेज किसी भी तरह की कोई पार्ट या अगर कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो इजीली इसके मदद से जो है वो बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि वो इस तरह से ये देखने ना कस्टम जो है ना वो अगर इसकी कोई वीडियो हम देखें, अगर YouTube पे जो है ना वो हमें कोई इसकी वीडियो जो है वो नज़र आ जाए, शायद कोई अच्छी जो है ना वो वीडियो हमें जो है ना पता चल रही, ये बार आप YouTube पे जाके इसको जो है वो इसको देख सकते हैं। तो ये भी एक आजकल समय लेकिन नई एक सेंसेशन है, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं ये इतने सस्ते जो है वो नहीं है, लेकिन इसके लिए काम भी आपको ज़्यादा पढ़ना करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है ना कोई जो कैड सॉफ्टवेयर है उसमें आपको वो उसमें आपको पहले डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो डिज़ाइन बनाने के बाद फिर आप क्या करते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है ना वो मैंने ये यहाँ पे लिखा है 6-7 इसके अंदर जो स्टेप हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने 3D मॉडल बनाना है उसका एक कैड सॉफ्टवेयर की मदद से, उसको फिर हम क्या करते हैं कि एक STL में कन्वर्ट करते हैं, STL टेम्पलेट में करते हैं, फिर हम उसको मशीन में करते हैं, और मशीन का फिर आपने देखना पड़ता है कि मशीन का सेटअप क्या है, कि वो क्योंकि हर तरह के हर हर जो डिफरेंट प्रिंटर है वो डिफरेंट टाइप का मटेरियल
और डिफरेंट उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उस हिसाब से आपको जो है वो करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है वो आपने उसको बिल्ड करना है, तो बिल्ड करने में टाइम लगता है। ये फौरी तौर पे इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। बाद के बाद अगर कोई बड़ी फिगर है तो उसको तो शायद कई दिन लग जाए, वो फिर उसको मुसलसल जो है उसको काम करना पड़ता है। तो उसका फिर भी ये है कि आप उसको उसको जो है ना वो जब प्रिंट हो जाता है, फिर आप उसको रिमूव करें, फिर उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह जो है वो उसको जो है ना उसको आप रिमूव करें। तो इस तरह से जो है ना वो पोस्ट प्रोडक्शन उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो उसके एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फायदा इसका ये है कि कहा यह जा रहा है कि फ्यूचर में अगर आप ये 3D प्रिंटर्स जो है ना ये अगर कॉमन हो जाते हैं, तो फिर आपको आप कस्टमाइज चीज़ें बना सकते हैं, कस्टमाइज टूल्स, कस्टमाइज किसी भी तरह की चीज़ जो है वो। अब जैसे होता है कि कोई कोई ऐसी चीज़ है कि उसका पार्ट नहीं आपको मिल रहा, तो कोई मसला नहीं है, आप उसका 3D पार्ट जो है वो बना दें। तो प्लास्टिक से बनाना तो कोई मसला नहीं है, डिफरेंट किस्म के जो प्लास्टिक है उससे मटेरियल जो है वो बन रहे हैं, तो वो आप इजी बना। एक तो ये होता है ना कि जिसमें आप ये एडिटिव प्रोसेस होता है कि स्टेप बाय स्टेप होता है, एक होता है कि इसका रिवर्स प्रोसेस होता है जिसको आप कहते हैं कि आप उसको कहते हैं कि उसको आप उसको रिड्यूस करते हैं। यानी कि एक आप ब्लॉक लें, मेटल का एक ब्लॉक लें और उसको उसको फिर आप किसी फिगर में रिड्यूस करें, तो वो काम जो है ना वो फिर आप कर सकते हैं। तो जैसे ये देखें ना कि ये एक 3D प्रिंटर है, तो ये स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। ये इसके साथ तो इसको इसको मटेरियल सप्लाई किया जा रहा होगा, प्लास्टिक आमतौर पर होता है वो मेल्ट होता है, फिर आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ऐड करते जाते हैं, और ऐड करने के बाद जो है ना फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी फिगर जो है वो बन जाती है। सो दीज आर 3D प्रिंटर्स। तो उसके बाद हमने जो है वो प्लॉटर्स हमने डिस्कस करने, प्लॉटर्स या इसको हम कहते हैं वाइड फॉर्मेट प्रिंटर्स हम इसको कहते हैं। तो आमतौर पे ये होते हैं कि ये जो हम प्रिंटर घरों में ऑफिस में यूज करते हैं, तो इनका इनके साइज की लिमिटेशन होती है। टिपिकली जो साइज होता है ना वो A4 साइज होता है, A4 या लेटर साइज के या फिर लीगल साइज का पेज जो है ना वो उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो इससे इससे बड़े या छोटे साइज का उस पर जो है ना वो आप फिर यूज नहीं कर सकते। खासतौर पर बड़े का मसला होता है कि बड़े साइज का आप उसमें यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपने चार्ट्स या ड्राइंग्स या जिस तरह से ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है, बिलबोर्ड्स लगते हैं, ये अगर आपने प्रिंट करने हैं, तो फिर वो इन प्रिंटर्स पे जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि ये हम प्लॉटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसमें इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी साइज के पेज पे किसी भी साइज के मटेरियल पे जो है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक फ्लैट बेड है, दूसरा ड्रम प्लॉटर है। तो सबसे पहले जो फ्लैट बेड होता है वो इस फॉर्म में होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज अ फ्लैट टाइप फ्लैट बेड प्लॉटर। इसमें आप देखें कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसके ऊपर आप पेज रख देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल ये रेल्स होती है। ये हॉरिजेंटल ये जो रेल्स हैं ये साइड पे जो लगी हुई हैं, वर्टिकल रेल ये इसको इसको अप एंड डाउन मूव करती हैं, और ये जो हॉरिजेंटल लगी हुई है इसको राइट एंड लेफ्ट मूव करती है। अब होता है कि पेज जब ये पेज मूव नहीं करता, तो ये जो प्रिंट मैकेनिज्म है, जैसे इस केस में ये सिंपल एक पेन लगा हुआ है, तो ये पेन जो है ये आगे पीछे जो है ये मूव करते हैं। तो इसकी मदद से आप ड्राइंग्स बना सकते हैं, कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बना सकते हैं, कोई मैप बना सकते हैं, वो सारे काम इसकी मदद से जो है वो कर सकते हैं। तो दिस इज द फ्लैट बेड प्लॉटर। फिर हमारे पास है ड्रम प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर में क्या होता है कि इसमें वर्टिकल गाइड्स जो है वो नहीं होती, जिस तरह से इसमें ये वर्टिकल गाइड्स है ना ये वाली, तो ड्रम प्लॉटर में सिर्फ हॉरिजेंटल होंगे, राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं। तो पेज जो है ना उसकी जगह पे क्या होगा कि पेज आगे की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो ड्रम प्लॉटर में पेज जो है वो मूव करता है, और इसमें इसमें पेज की विड्थ की तो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी मर्जी लेंथ में जाए पेपर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे ये देखें, ये आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये एक ड्रम ड्रम प्लॉटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस पर जो है वो प्रिंटिंग जो है वो हो रही है। अब इसमें अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके एक साइड पर जो है वो एक रूलर होगा, जिसमें ये फ्लेक्स होता है, ये जो मटेरियल है ना ये फ्लेक्स होता है, और आप इसमें से जैसे जैसे उसमें गुजरता जाएगा, तो ये जस्ट लाइक इंक जेट प्रिंटर काम करता है कि जब जैसे जैसे गुजर जाता है तो इसके अंदर लिक्विड फॉर्म इंक होती है, और वो उसके साथ साथ जो है ना फिर वो प्रिंटिंग जो है ना वो उसके साथ साथ जो है वो होती रहती है। तो इस तरह से जो है ना ये काम करते हैं। तो ये जितने भी ये फ्लेक्सिबिलिटी जो ये प्रिंट होते हैं, अगर आप बाहर निकलें और आप देखेंगे किसी शॉप पे या यहाँ पे बिल बोर्ड पे वो फ्लेक्स लगे हुए हैं, वो सारे के सारे ये प्लॉटर्स पे जो है प्रिंट होते हैं। तो इसमें ये होता है कि फ्लैट बेड प्लॉटर्स पे होते हैं और ड्रम प्लॉटर, ये दोनों तरह के यूज होते हैं। तो मैंने जो ज़ाती तौर पर जो मैंने देखा था वो फ्लैट बेड प्लॉटर था, वो मेरे ख्याल में
उसकी जो विड्थ थी वो शायद कोई 10 फुट के करीब थी, और उसकी जो लेंथ थी वो थी तकरीबन कोई 40 फुट के करीब। और वो पहले क्या करते थे कि उसके ऊपर फ्लेक्स लगा देते थे, और फिर उसके बाद ये होता था कि वो जो उसका जो प्रिंट मैकेनिज्म है, फिर वो दीवार के साथ फिक्स किया हुआ था उन्होंने, दीवार के ऊपर जो है उन्होंने लगाया हुआ था ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन करके। तो वो फिर उसके साथ जो है ना, फिर वो प्रिंट होता है, वो काफ़ी टाइम लगता है। तकरीबन आप समझ लें कि एक स्टैंडर्ड साइज का जो एक फ्लेक्स है ना, उसको प्रिंट होने में कोई घंटा 1.5 जो है ना उसके अंदर लग जाता है। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं ताकि वो जो हीट जो है ना, वो जो इंक है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद उसको जो है ना वो उतार लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये जो है वो काम करते हैं। अच्छा, फाइनली जो हमने आउटपुट वाइज डिस्कस करनी है उसको हम कहते हैं स्पीकर। ये स्पीकर जो है ये माइक्रोफोन के ऑपोजिट काम करते हैं। माइक्रोफोन क्या करते हैं कि वो वॉइस को कन्वर्ट करते हैं करंट में, स्पीकर क्या करते हैं करंट को वॉइस में जो है, साउंड में जो है वो उसको उसको हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो इसका बिल्कुल जो है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। तो उसी तरह से इसकी कुछ स्ट्रक्चर मिलती जुलती है, कुछ कंपोनेंट्स भी इसमें मिलते जुलते हैं। जैसे डायफ्राम हमने स्पीकर में भी माइक्रोफोन में भी पढ़ा था, तो डायफ्राम जो है वो इसके अंदर भी जो है वो होता है। अब इसमें होता ये है कि जिस तरह हमने माइक्रोफोन में देखा था कि जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी वॉइस की, जितनी वॉइस होगी उस हिसाब से जो वो करंट होता है। लेकिन स्पीकर में होता है कि इसमें चूंकि वॉइस इस पे जिस हिसाब से करंट देंगे उस हिसाब से वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें ये होता है कि एक इसकी कॉर्न होती है, ये एक्चुअली वाइब्रेट करती है, ये डायफ्राम की तरह जो है वो काम करती है। ये आमतौर पे पेपर की या प्लास्टिक की बनी होती है, मेटल की कॉर्न्स भी जो है वो भी होती हैं। एक इसकी सस्पेंशन होती है या सराउंड उसको कहते हैं, कॉर्न जो है वो इस सराउंड के साथ अटैच होती है। फिर इसकी एक वॉइस कॉइल होती है, ये बेसिकली उस तरह से मैग्नेट होता है जैसे हमने माइक्रोफोन में देखा था, तो एक कॉइल मैग्नेट होता है, तो ये उस तरह से होता है। फिर एक स्पाइडर इसके अंदर होती है जो कि कॉर्न को एक्चुअली जो है वो अपनी जगह पे इन प्लेस रखती है, और फिर एक परमानेंट मैग्नेट होता है। तो अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ये देखें, ये कॉर्न होती है, दिस इज द कॉर्न, ये एक्चुअल एक्चुअल चीज है कि जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है। तो सारा काम ही इसका होता है, जितनी कॉर्न की क्वालिटी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी साउंड होगी। ये सराउंड होता है, ये रिंग सा होता है, आमतौर पर प्लास्टिक का बना होता है। तो ये भी जो कॉर्न भी होती है, ये अगर कोई बहुत सस्ते किस्म का हो तो उसमें पेपर यूज करते हैं, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो उसमें प्लास्टिक का एक शीट जो है वो इस्तेमाल होती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग किस्म का प्लास्टिक होता है, ऐसे वीक नहीं होता, तो वो इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये इसकी देख लेंगे, स्पाइडर है, इसको जो है हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है ना इस कॉन के साथ अटैच कर देते हैं, और इसके साथ जो ये वॉइस कॉयल होती है ये मैग्नेट होता है, जिस तरह से हमने देखा था कि इस तरह से कॉयल के फॉर्म में जो है ना वो एक मैग्नेट होता है, इसमें से करंट गुजरता है, और इसको हम प्लेस कर देते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे आप देखें कि ये होल बना हुआ है, तो एक परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको हम प्लेस कर देते हैं। अब होता ये है कि जब इसमें से इस वॉइस कॉयल में से करंट गुजरता है, तो ये फिर वॉइस कॉयल इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और जिस तरह से है कि जो सिमिलर पोल है वो अट्रैक्ट करते हैं, जो अपोजिट पोल्स है वो जो है वो रिपेल करते हैं, तो करंट की पोलरिटी चेंज होती है। उससे कभी ये जो वॉइस कॉयल है ये कभी अट्रैक्ट होती है, कभी रिपेल होती है। तो इस वॉइस कॉयल के साथ ये कॉर्न अटैच है, ये कॉर्न भी फिर बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करती है। तो उसके मूव करने से फिर क्या होता है कि ये जो हमें जो साउंड की सेंसेशन है वो हमें जो है वो फिर हमें प्रोड्यूस वो जो है वो हमें महसूस होती है। ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म जो है ये मैंने आपको जो है ना वो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ से जो है ना हम इसको स्टार्ट करते हैं, वॉइस कॉल क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, व्हेन करंट इज प्रोवाइडेड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, तो सिमिलर पोल अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट पोल्स हैं सॉरी रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह से जो है ना जो कॉयल है वो पुश होती है, और उसकी ओरिएंटेशन चेंज होने से सॉरी यहाँ पे पोलैरिटी कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ करंट, तो ये कॉयल जो है ये पुश बैक होती है, और फिर इससे क्या होता है व्हेन द कॉयल मूव पुश दी पुश एंड पुल ऑन द स्पीकर कोन, और ये फिर वाइब्रेट होती है इसके सामने एयर, और फिर हमें उससे वॉइस जो है वो हमारे पास हमें जो है वो फील होती है। इसकी जो वो तीन टाइप्स होती हैं, इसको वूफर, ट्विटर और मिड रेंज हम उसको कहते हैं। वूफर जो है वो साइज में बड़े होते हैं, और ये एक्चुअली लो कॉल लो फ्रिक्वेंसी की साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, जो
बेस हम कहते हैं ना कि बेस हमें सुनाई देती है, तो वो एक्चुअली वूफर की मदद से जो है वो होते हैं। जितना हैवी वूफर लगा होगा उतनी ज्यादा बेस होगी, और इसकी इसकी ये जो साउंड है ना दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है तो ये काफी दूर तक जाती है। ट्यूटर जो होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं और ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जो कोन इस्तेमाल होती है ना वो आमतौर पर मेटल की कोन होती है। फिर हमारे पास ये मिड रेंज होते हैं, ये बिटवीन हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी इसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है बिटवीन 300 हर्ट्ज और 2 किलो हर्ट्ज जो है उसके दरम्यान में होती है। तो आमतौर पे एक जो पूरा साउंड सिस्टम होता है ना उसमें तीनों होते हैं। तो अगर आप उसको खोलें, अगर अपने आपके पास कोई साउंड सिस्टम है, आजकल तो वो दौर नहीं है, पहले जब हम लोग छोटे थे तो उस वक्त वो डेक का बड़ा रिवाज होता था। तो डेक के अंदर जो है वो उसमें होता था कि आमतौर पे अगर एक सेट बनाते थे ना इस तरह से, एक एक मतलब स्पीकर बनाए, तो उसमें एटलीस्ट एक एक जो है ना वो वूफर होता था, वो इस तरह से पहचाना जाता था कि वो साइज में सबसे बड़ा होता है। और उसके बाद जो है ना वो ट्विटर होते थे, ये ट्विटर जो है ना ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस, वो झनकार सी होती है ना, वो छन छन सी आ रही होती है तो वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा इसमें जो है ना फिर ये मिड रेंज होते थे, तो ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल है क्योंकि इनका साइज भी जो है ना वो होता है। तो जितना जितना वूफर आप लगाएंगे, बाज लोगों को बेस सुनने का ज्यादा शौक होता है तो वो फिर ये करते हैं कि वो वूफर जो है ना वो ज्यादा लगाते हैं, 2 वूफर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ये होता है कि बहुत उससे ना बहुत मतलब धमक बहुत ज्यादा जो है ना वो उससे उससे जो है ना होती है। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर जो है ये हुआ खत्म, और इसमें कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो वो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं।